पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बड़े ही निराले कलाकार की। वो कलाकार जो अपने जीवन में सदैव अव्वल रहना चाहता था और उसने ये करके भी दिखाया। इनका नाम गोविंद नामदेव। कुछ भी कहो यार, वो लड़का है किस्मत का धनी। जन्म हुआ 3 सितंबर सन 1950 में मध्य प्रदेश के सागर इलाके में। इनका परिवार दरअसल व्यावसायिक तौर पर दर्जी का काम किया करता था, लेकिन वो टेलरिंग बड़े ही अलग अंदाज की हुआ करती थी। ये मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं उनके लिए पोशाकें तैयार किया करते थे। इनके वालिद साहब के साथ इन्होंने भी ये काम जरूर सीखा। 6 भाई और 4 बहनों में ये 4th पे आए। बचपन में ही ये महात्मा गांधी के जीवन से बड़े मुतासर हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से भी बड़े मुतासर हुए और मन में ठान लिया कि बनूंगा तो एक बड़ा आदमी बनूंगा। तुम चाहे हमें जान से मार डालो, लेकिन देश के साथ जो गद्दारी तुम हमसे करवाना चाहते हो वो हम हरगिज नहीं करेंगे। और हमेशा ये सोचते कि आगे जाकर मैं दिल्ली शहर जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली में ही लोग बड़े बन सकते हैं। उस जमाने में सागर जैसे छोटे इलाके से निकलकर दिल्ली में जाके पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात माना जाता था। गोविंद नामदेव बचपन से ही पढ़ाई में बड़े तेज थे। दिल्ली में इनका एडमिशन हुआ और इन्हें स्कूल के कल्चरल विंग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये कविताएं लिखा करते थे, कविताएं पढ़ते भी थे, स्कूल टाइम में ड्रामास भी डायरेक्ट किया करते थे। पर तब भी ये अंदाजा नहीं था कि आगे जाकर ये एक व्यावसायिक अभिनेता बन जाएंगे। ये ग्रेजुएशन भी करना चाहते थे और तभी इनके सामने एक ऐड आया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से स्कॉलरशिप का। इन्होंने सोचा कि स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा। स्कॉलरशिप थी तकरीबन 250 रुपये की और पहली ही बार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इनका चयन हो गया। वहाँ पर महान थिएटर गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब हुआ करते थे। बड़े बड़े प्रोफेसर आकर NSD में पढ़ाते थे, लेकिन गोविंद नामदेव साहब बहुत परेशान रहे क्योंकि वहाँ पर अक्सर लेक्चर्स अंग्रेजी भाषा में हुआ करते थे। अंग्रेजी भाषा इन्हें समझ नहीं आती थी। धीरे धीरे वो वक्त आया जब गोविंद नामदेव क्लास के बाहर रहने लगे। क्यों इस वीराने में अपना गला फाड़ रहा है यार? और तब एक रोज इब्राहिम अलकाजी साहब ने इन्हें बुलाया और कहा कि क्या बात है, तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो? कहने लगे कि मुझे भाषा समझ नहीं आती है, तो मैं क्लास में बैठ के क्या करूं? इब्राहिम अलकाजी साहब ने सभी प्रोफेसर से कहा, आप हिंदी भाषा में भी जरूर पढ़ाएं, नहीं तो बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा। और साथ ही ये हिदायत भी दी गोविंद नामदेव को कि लिटरेचर और ड्रामा को छोड़कर मेकअप, स्वॉर्ड फाइटिंग, योगा, डांस मूवमेंट की जो सेशंस होते हैं वहाँ पर तो तुम जाओ, वहाँ पर तो तुम अव्वल आ सकते हो। उस घड़ी गोविंद नामदेव साहब का जीवन बदल गया। अच्छा अच्छा पर अभी भी ये तय नहीं था कि ये आगे जाकर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। सन 1978 में इनका डिप्लोमा पूरा हुआ। इनके साथी विद्यार्थियों ने मन बना लिया था कि वो बम्बई की तरफ रुख करेंगे, फिल्मों में एक्टिंग करेंगे, पर गोविंद नामदेव साहब समझ नहीं पा रहे थे कि करूं तो क्या करूं। ये तो बिल्कुल ही चुप हो गया। और तब उस जमाने के बहुत ही जबरदस्त रंगकर्मी मनोहर सिंह, उत्तरा बावकर और सुरेखा सीकरी से ये बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने ठान लिया कि ये भी अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी का ही हिस्सा बनेंगे। और तकरीबन 11 ये NSG रेपर्टरी में काम करते रहे। अपने अभिनय को इन्होंने बहुत तराशा। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी इन्होंने कई नाटक किए। धर्मवीर भारती के नाटक अंधा युग से ये बड़े प्रभावित हुए। शेक्सपियर के नाटक ओथेलो की ही भूमिका निभाई। धीरे धीरे इन्होंने टेलीविजन का भी रुख किया और सिनेमा का भी। इन्हें केतन मेहता साहब ने अपनी फिल्म सरदार में एक बड़ा निराला किरदार दिया और फिर पहलाज नेहलानी साहब ने फिल्म शोला और शबनम में इन्हें जबरदस्त मौका दिया। इन फिल्मों के बाद गोविंद नामदेव ने कभी पलट के नहीं देखा। और वैसे भी किसकी हिम्मत है काली बाबू कि आपके छोटे भाई के साथ गर्मी से बात करे। विलनी भरे किरदार भी निभाए और कुछ ऐसे किरदार जो वाकई बहुत जज्बाती थे, मिसाल के तौर पर बैंडिट क्वीन का विलन और टेलीविजन सीरियल महायज्ञ के छोटे ठाकुर। भैया इस कानून की वर्दी से सिर्फ इंसान डरता है, जंगली जानवर नहीं, समझे? जब ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही थे तो उन दिनों बच्चों का समर कैंप लगा करता था। वहाँ पर मथुरा की रहने वाली सुधा जी दिल्ली अपने बहन के घर घूमने आई थी। वो रोज समर कैंप में अपनी भतीजी के साथ आती थी और 1980 में गोविंद नामदेव और सुधा जी की मुलाकात हुई। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ गईं और एक ही साल में ये दोनों बन गए जीवन साथी। गोविंद नामदेव की संवाद अदाई की सबसे निराली है। इनकी आंखें भी बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। इन्होंने जिस तरह से अपने आप को रंग मंच पे तराशा उसकी खूबी सिल्वर स्क्रीन पे चमकती नजर आती है। मतलब काला चोर पुलिस का जमाई बनने वाला है। भारतीय कला के इतिहास में गोविंद नामदेव का नाम सदैव अमर रहेगा।
महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।